हिमाचल के सीएम विदेश के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि 16 जून को जयराम ठाकुर दिल्ली लौटेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम जो कि विदेश दौरे पर हैं आजकल, और 16 जून को वो वापस दिल्ली लौटेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें 17 जून को हिमाचल प्रदेश जाएंगे सीएम जयराम ठाकुर। इन दिनों जर्मनी और नीदरलैंड के दौरे पर हैं सीएम जयराम ठाकुर, और इसके बाद वो वापस दिल्ली आएंगे और दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे। आपको बता दें नीदरलैंड में उन्होंने कृषि मंत्री से भी वहां की मुलाकात की और हिमाचल में कृषि की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने पर चर्चा की। दरअसल वो इन दिनों विदेश के दौरे पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उमेश शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ शिमला से फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जयराम ठाकुर जो कि आजकल विदेश दौरे पर है, कब तक उनका भारत आने का प्रोग्राम है? लेकिन जो 16 तारीख को दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है और 17 तारीख का शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। जयराम ठाकुर पहले जर्मनी दौरे पे गए थे, जर्मनी के बाद अब नीदरलैंड के दौरे पे हैं। नीदरलैंड सरकार से उनकी बातचीत चल रही है, मंथन चल रहा है और कुछ एमओयू पे हस्ताक्षर हुए। और जो नीदरलैंड सरकार है उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कृषि, बागवानी और पर्यटन क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई है और उनका एक प्रतिनिधि मंडल हिमाचल आके जो एमओयू है उन पर सिग्नेचर भी करेगा। और जो आगे जो अक्टूबर नवंबर में हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होनी है उसमें भी शिरकत करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश सरकार का ये पहला विदेश दौरा था मुख्यमंत्री का, और ये पहला ऐसा सफल दौरा सरकार इसे बता रही है जहां जिस उम्मीद से सरकार गई थी, सरकार के लोग गए थे, मुख्यमंत्री खुद एक आला प्रतिनिधिमंडल के साथ गए थे जिसमें सरकार के प्रशासनिक अधिकारी भी गए हैं। एक बहुत ही सराहनीय एक कदम सरकार इसे बता रही है और इसमें जो रिस्पॉन्स मिला है विदेश की धरती पे, वो चाहे जर्मनी की बात हो चाहे नीदरलैंड की बात हो, दोनों जगह एक बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। तो सरकार इस बात को लेके काफी उत्साहित है और सरकार को लगता है कि उनका जो प्रयास है विदेश में जाके लोगों से मिलना जी, इन्वेस्टर से मिलना, ये तमाम जो बातें हुई है उसको लेके सरकार काफी उत्साहित है और सरकार को लगता है कि जो सरकार का जो इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते पे चल रहा है और अच्छे जो निवेशक है हिमाचल प्रदेश में निवेश करने के लिए आएंगे जी। इसके अलावा उमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस दौरे के दौरान वो कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो कि विशेष तौर पर छाए रहे, जिनको हिमाचल प्रदेश में अप्लाई करने से ज्यादा फायदा मिलने वाला है? देखिए, मुद्दे नहीं थे, सरकार एक इन्वेस्टर मीट को लेके गई थी, सरकार निवेशकों से बात करने गई है, सरकार अपनी तरफ से एक प्रपोजल लेके गई है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की सुविधाएं हैं, हिमाचल प्रदेश में किन किन चीजों के लिए निवेश करने से जो निवेशक है उनको फायदा होगा, किस तरह की जमीन, बिजली, पानी और तमाम ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं हिमाचल सरकार जो ऑफर कर रही है निवेशकों को, उसको लेके सरकार ने अपना प्रपोजल निवेशकों के सामने रखा है, सरकार के सामने रखा है। इससे पहले जर्मनी में रखा गया, उसके बाद नीदरलैंड में जो लोग हैं उनके निवेशक है उनके साथ ये बातचीत की गई और जो वहां की सरकार है उन्होंने भी निवेश करने की इच्छा जताई और उन्होंने कहा भी है कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल हिमाचल आगे दिल्ली आगे ये निवेशकों से बातचीत करेगा, सरकार से बातचीत करेगा और जो आगे की रणनीति होगी, आगे के जो एमओयू की जो फॉर्मेलिटीज होगी उस पर साइन करेंगे और आगे दोनों देशों के बीच में एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको लेके एक बड़ी उम्मीद हिमाचल को जगी है। और मुख्यमंत्री का जो वहां से संदेश आया उन्होंने यही कहा है कि विदेश की धरती पे जाके जिस तरह से जो रिस्पॉन्स मिला है उससे वो उत्साहित है और सरकार उससे उत्साहित है और सरकार को लगता है कि जो 85,000 करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा है उसमें जो 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 विदेशी जो निवेशक है उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है जी। देखा जाए तो धर्मशाला में इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है ग्लोबल, और इसी के चलते उन्होंने आमंत्रण भी खास तौर पर दिया है नीदरलैंड में, तो क्या कुछ इससे आर्थिक फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है उमेश? देखिए, आर्थिक फायदे के लिए निवेश किया जाता है और ये जो निवेश का कार्यक्रम है ये पूरे देश में भी इस तरह की ग्लोबल जो इन्वेस्टर मीट से पहले जो निवेशकों से बातचीत होनी, यहाँ पे देखा इससे पहले भी मुख्यमंत्री और एक डेलीगेशन हैदराबाद में और कर्नाटका में जाके इस तरह के कार्यक्रम कर चुका है। तो ये अगला जो कदम था विदेश में जाने का था, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो विदेश में रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है, उसके बाद वापस हिमाचल आने के बाद ये
एक दोबारा एक डेलीगेशन दुबई के दौरे में जाने का कार्यक्रम है। हालांकि अभी इसकी डेट फाइनल नहीं हुए, लेकिन मुख्यमंत्री और एक जो प्रतिनिधिमंडल है वो दुबई में भी ऐसे ही एक इन्विटेशन के रूप में निवेशकों से बात करने जाएगा। और आने वाला जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है जिसकी तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लगता है अक्टूबर या नवंबर महीने में आयोजित किया जाएगा। उसके लिए एक रणनीति बनाई जा रही, भूमिका तैयार की जा रही है और निवेशकों से बातचीत की जा रही है और लगता है कि सरकार को अच्छा रिस्पॉन्स आने वाले वक्त में भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर इन दिनों विदेशी दौरे पर हैं, जर्मनी और नीदरलैंड, इन दो जगहों के वे दौरे पर हैं, जिसके बाद वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली के बाद वापस हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे सीएम जयराम ठाकुर।